बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर नाम का ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाया है। साय राजभवन पहुंचे, वहां सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बनते ही विष्णुदेव साय ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 साल का बकाया धान का बोनस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। विष्णुदेव साय कुनकुरी से विधायक है और बड़े आदिवासी नेता है। वो 2 बार विधायक और 4 बार के सांसद हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है। विष्णुदेव को रमन सिंह और संघ का बेहद ही करीबी माना जाता है। वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। देना चाहूंगा जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग त्रस्त था, और आज उस सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोगों की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे।